नमस्कार बच्चों, आशा करती हूँ नफे के चक्कर में लेसन का क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट हो चुका है। देखिए हमारा नया लेसन खेलो कूदो स्वस्थ रहो। खेलो कूदो मींस खेलो, स्पोर्ट्स खेलो, गेम्स खेलो और हेल्दी रहो, ये हमारा लेसन का नाम है। बच्चों देखेंगे लेसन में स्पोर्ट्स के बारे में दिया गया, इस लेसन में स्पोर्ट्स के बारे में, बोर्ड स्पोर्ट्स इस लेसन में है। बच्चों देखेंगे खेलों की दुनिया में सदा आनंद और उल्लास का वातावरण रहता है, उत्साह का शीतल समीर बहता रहता है, खेल से तन मन स्वस्थ होता है, मनोरंजन भी मिलता है। क्या कह रहे हैं यहाँ, खेल की दुनिया, खेल की दुनिया मीन्स हमारा स्पोर्ट्स के एक वर्ल्ड, गेम्स के वर्ल्ड, गेम वर्ल्ड कहते हैं ना, वो गेम वर्ल्ड में कभी भी रोज एवरी सदा मीन्स एवरी टाइम आनंद और उल्लास, हैप्पी और एंजॉयमेंट रहता है, बहुत खुशी रहता है, खुशी का एनवायरमेंट रहता है स्पोर्ट्स में। आपको भी पता है जब आप क्लास में गेम्स पीरियड हो आप सब बहुत खुश होते हैं ना बच्चों, ऐसे ही गेम वर्ल्ड में बहुत ही एंजॉयमेंट, खुशी का हैप्पी एनवायरमेंट रहता है। उत्साह का शीतल समीर मीन्स उत्साह मीन्स हमारा खुशी का एक कूल विंड ऐसा जल रहता है, एक ठंडी हवा बहता आते रहता है। खेल से खेलने से क्या होता है बच्चों, हमारा तन मन स्वस्थ होता है, बॉडी और माइंड हमारा हेल्दी होता है और अपना मनोरंजन भी मिलता है मीन्स एंटरटेनमेंट भी मिलता है। खेल कई तरह के होते हैं, खेल बहुत प्रकार के होता है, बहुत प्रकार के है, साधारणतः उनके दो भेद किया जाता है, नॉर्मली डिवाइड इनटू टू पार्ट्स, नॉर्मली टू पार्ट्स हमें डिवाइड करते हैं, वन इज शारीरिक खेल और मानसिक खेल, फिजिकली गेम और मेंटली गेम, फिजिकली स्पोर्ट्स और मेंटली स्पोर्ट्स। जिन खेलों में शारीरिक क्षमता अधिक होना पड़ता है उन्हें शारीरिक खेल कहते हैं। आपको पता है जिस खेल में हमारा फिजिकली ज्यादा हमें स्ट्रेस होते हैं, फिजिकली ज्यादा हमें हार्ड वर्क करते हैं, वो गेम को हमें फिजिकली गेम क्या कहते हैं, शारीरिक खेल कहते हैं। और उसके उदाहरण जरा एग्जांपल दे चुके हैं, फिजिकली हमें श्रम लेने वाले हार्ड वर्क करने वाले गेम्स कौन सा है बच्चों, कबड्डी, आपको पता है कबड्डी, हॉकी, गुल्ली डंडा मीन्स पुराने जमाने में गुल्ली डंडा खेलते थे, चिन्नी दांडू कहते हैं यहाँ वो, और क्रिकेट, कुश्ती, फुटबॉल, बैडमिंटन, तैरना, दौड़ना आदि, ये सब में तैरना, स्विमिंग, दौड़ना, तैरना, स्विमिंग, दौड़ना, रनिंग, बैडमिंटन, इसमें सब में हमारा बॉडी का इस्तेमाल होता है, हमें भागना पड़ता है, दौड़ना पड़ता है, ये सभी खेल शारीरिक खेल कहते हैं। और जिसकी खेल में मानसिक श्रम अधिक होता हो, मेंटली हमें ज्यादा हार्डवर्क करते हैं, माइंड से हार्डवर्क करते हैं, उस गेम को मानसिक खेल कहते हैं, मेंटली गेम, मेंटल गेम कहते हैं। आपको पता है मेंटल गेम कौन कौन सा है, शतरंज मीन्स चेस, कैरम, कैरम, पासा, पासा मीन्स डाइस, डाइस खेलते थे पहले महाभारत में, आपको पता है जैसे शकुनी के इशारे से कौरवास पांडवास को कैसे हराता है, वैसे वो गेम है पासा। और बकरी भाग, बकरी भाग मीन्स वो एक पुराने गेम है बच्चों। इस सब गेम में भी हमारा हमें हमारे माइंड यूज करना है, नॉट फिजिकली माइंड ज्यादा यूज करते हैं, वैसे खेलों खेल को हमें क्या कहते हैं, मानसिक खेल कहते हैं, मेंटली गेम कहते हैं। इसी प्रकार वैयक्तिक खेल और सामूहिक खेल के रूप में भी दो भेद किया जाते हैं, वैसे ही हमें और दो भेद किया जाते हैं, कैसे, वैयक्तिक खेल और सामूहिक, ग्रुप गेम और इंडिविजुअल गेम। वैयक्तिक मीन्स इंडिविजुअल, इंडिविजुअल खेलने वाले एक एक पर्सन खेलते हैं उसे इंडिविजुअल गेम कहते हैं, और ग्रुप में खेलने वाले गेम को सामूहिक गेम कहते हैं। वैयक्तिक इंडिविजुअल खेल खेलने वाले आपको पता है एग्जाम्पल्स, तैरना, स्विमिंग, रनिंग, एरोबिक्स, तीर चलाना मीन्स एरो, एरो चलाने की गेम, और बिलियर्ड्स,
शूटिंग, बोटिंग, नाव चलाना मीन्स बोटिंग, छलांग मारना लॉन्ग जंप, ये सभी कौन सा गेम है? इंडिविजुअल गेम, केवल एक व्यक्ति खेलने वाले गेम को वैयक्तिक खेल कहते हैं। और सामूहिक खेलों में सामूहिक ग्रुप गेम कौन सा है आपको पता है? वॉलीबॉल, क्रिकेट, फुटबॉल, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, वैसे ग्रुप ग्रुप में खेलने वाले गेम को हमें क्या कहते हैं? सामूहिक खेल कहते हैं। इसी प्रकार खेलों का और दो भेद कहते हैं, और दो हमें पार्ट्स करते हैं, कौन सा मीन्स आउटडोर गेम और इंडोर गेम। आपको पता है इंडोर गेम कौन सा है और आउटडोर गेम कौन सा है? आउटडोर गेम कबड्डी, बाहर खेलने वाले मैदान में ग्राउंड में खेलने वाले गेम को हमें क्या कहते हैं? आउटडोर गेम कहते हैं। कबड्डी, क्रिकेट, हॉकी, वॉलीबॉल, ये सब भी आउटडोर गेम है बच्चों। वैसे ही इंडोर मीन्स चेस, कैरम, पासा, वैसा हमें अंदर अंदर खेलने वाले इनसाइड खेलने वाले गेम को इंडोर गेम कहते हैं। आजकल हमारे देश में हॉकी, क्रिकेट, बैडमिंटन, शतरंज, कुश्ती आदि खेल काफी लोकप्रिय है, वर्ल्ड फेमस हो चुके हैं। हमारा देश का कौन सा खेल? हॉकी, क्रिकेट। आपको पता है क्रिकेट सब लोग बहुत देखते हैं। हमारा राष्ट्रीय खेल तो हॉकी है, लेकिन ज्यादा लोग पसंद करते हैं क्रिकेट को। ऐसे ही हमारा इंडिया में हॉकी, क्रिकेट, बैडमिंटन, चेस और कुश्ती बहुत वर्ल्ड फेमस हो गया है। और राज्य और राष्ट्र के स्तर पर खिलाड़ियों को पुरस्कार दिए जाते हैं। क्या होता है बच्चों? राज्य में स्टेट और नेशनल लेवल प्लेयर्स को क्या देते हैं? अवार्ड्स देते हैं, साल साल अवार्ड्स देते हैं। वो अवार्ड्स आपको पता होंगे, अर्जुन अवार्ड, एकलव्य, द्रोणाचार्य अवार्ड, ध्यानचंद अवार्ड, राजीव खेल रत्न, ऐसे अनेक अवार्ड्स दिया जाते हैं। पुरस्कार मीन्स अवार्ड के साथ साथ क्या देते हैं धनराशि भी दिए जाते हैं, कैश प्राइज भी देते हैं। उनके मोमेंटो के साथ कैश प्राइज भी दिए जाते हैं। अच्छे अच्छे खिलाड़ियों को और पुरस्कार प्राप्त खिलाड़ियों को भी राज्य सरकार और केंद्र सरकार, बैंक और कई कंपनियों में नौकरी दिया जाता है। क्या होता है बच्चों? स्पोर्ट्स में अच्छे खिलाड़ियों, मतलब अच्छे प्लेयर्स, बहुत फेमस प्लेयर्स को और अवार्ड विनर प्लेयर्स को सभी क्या करते हैं? स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट उनको काम दिया था, जॉब का ऑफर देते हैं। बैंक और कई बड़े बड़े कंपनियों क्या करते हैं? बड़े कंपनियों क्या करते हैं? जॉब के ऑफर देते हैं। पुरस्कार प्राप्त खिलाड़ियों को नौकरियों की भर्ती में भी, आरक्षण में, सुविधा में भी रहती है। क्या करते हैं? उनको रिजर्वेशन रहते है। ऐसा बहुत फेमस पुरस्कार प्राप्त खिलाड़ियों प्लेयर्स, अवार्ड विनर प्लेयर्स को क्या होता है? नौकरी, जॉब में भी उनको रिजर्वेशन, आरक्षण मीन्स रिजर्वेशन की उनको सुविधाएं रहते हैं। इतना ही नहीं, खेल हवाई रेल, हवाई जहाज आदि में सफर करने के लिए भी विशेष रूप की आरक्षण की सुविधाएं दे देती है। उनको भी क्या होता है? ट्रेन में और फ्लाइट में सभी उनको रिजर्वेशन रहता है। उनको कितना दूर जाना चाहते है उतना दूर जाए, उसमें भी रिजर्वेशन का उनका फायदा है। कई कंपनियां खिलाड़ियों को अपनी प्रतिनिधि बना लेती है। आपको पता है बहुत कंपनियां जैसे बूस्ट, आपको पता है विराट कोहली को प्रतिनिधि बना लेती है, और ड्रीम इलेवन, आपको पता है धोनी, रोहित शर्मा, ऐसे बड़े बड़े खिलाड़ियों को प्रतिनिधि बना लेती है। वैसे ही बड़े बड़े कंपनियां क्या करते हैं बच्चों? सचिन तेंदुलकर आपको पता है बूस्ट में भी उनका प्रतिनिधि बना लेते हैं। वैसे बहुत लोग क्या करते हैं? उनको प्रतिनिधि बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? प्रतिनिधि बना लेते हैं। जीवन में खेल का स्थान बहुत महत्वपूर्ण है, वेरी इंपॉर्टेंट। गेम्स, स्पोर्ट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट इन अवर लाइफ, हमारा जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। खेल छात्र जीवन का महत्वपूर्ण अंग है, और स्पोर्ट्स क्या होता है? छात्र जीवन मीन्स स्टूडेंट लाइफ का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। छात्रों के लिए पढ़ाई के साथ साथ खेलना भी जरूरी है। आपको पता है आप जितना पढ़ते हैं, जितना लेसन सुनते हैं, उतना ही खेलना भी जरूरी है। आप खेल ज्यादा खेलते हैं, हमें पता है। अब कोरोना होकर आपको स्कूल भी शुरू नहीं हुआ है, इसलिए हर टाइम आप खेलने में लगे रहते हैं। नहीं बच्चों, खेलना कितना जरूरी है उतना ही पढ़ाई भी जरूरी है। लेकिन केवल पढ़ना ही नहीं चाहिए, खेलना ही नहीं चाहिए, वैसा नहीं है। दो को भी इम्पोर्टेंट देना है, खेलना भी है, पढ़ना भी है। खेलों द्वारा बच्चों में धैर्य, लगन, परिश्रम, उत्साह
तथा परस्पर सहयोग आदि गुणों का विकास होता है। क्या होता है बच्चों, स्पोर्ट्स में भाग लेने से आपको धैर्य होता है, धैर्य ऑटोमेटिकली उत्पन्न होता है और लगन इंटरेस्ट आता है हार्ड वर्क के बारे में और एंजॉयमेंट के बारे में और परस्पर सहयोग हेल्पिंग नेचर भी आप में क्रिएट हो जाता है। इसलिए आप स्पोर्ट्स में ज्यादा भाग लेना है।